यहाँ हमें दिया हुआ है मेरा पन्ना, आप ही की तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से, और इसका शीर्षक है नन्ही चिड़िया। दिन के उजाले में सिर्फ धूप सेकने के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। तभी मुझे चीख सुनाई दी, मैं फौरन नीचे दौड़ा। मैंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया मेरी माँ के पास गिरी हुई थी, वह घायल थी। मेरे पिताजी ने उसका उपचार किया, वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन वह पूरी तरह ठीक हो गई। अब उसके जाने का वक्त था, मैं उसके लिए बहुत खुश था। जब वह नन्ही चिड़िया उड़ गई तो मैं उसके लिए बहुत खुश हुआ। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। और ये पन्ना है राहुल प्रजापत, DPS जोधपुर राजस्थान। यहाँ एक और पन्ना है बच्चों, कृष्णा की बांसुरी। एक गुरु जी थे, वो ध्यान कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा था। जब उनका ध्यान पूरा हुआ तब उन्होंने आँखों से देखा कि वहाँ जानवर ही जानवर आ गए। शेर, हाथी, जेब्रा, जिराफ, जो चिड़ियाघर में रहते हैं, और पक्षी भी। गुरुजी ऐसे भागने लगे जानवरों को दूर करके, जानवर भी उसके पीछे पीछे भागने लग गए। जानवरों ने सोचा रेस हो रही है। गुरुजी भागते ही रहे, जानवर भी दोबारा भागते रहे जैसे पहले भाग रहे थे। फिर एक कृष्णा आ गया, उसने कहा ये तो मेरे जानवर हैं, यहाँ कैसे आ गए, ये खुद ही आ गए होंगे। कृष्णा ने बांसुरी बजाई, जानवर उसके साथ आ गए, फिर उनका घर आ गया। और ये पन्ना लिखा है आकाश गौर, JS पब्लिक स्कूल, मोरना, मुजफ्फरनगर। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है बच्चों हंसी मजाक का एक पन्ना, मुर्गी, दाना और इंस्पेक्टर। वर्मा जी अपने मुर्गी खाने में टहल रहे थे। वहाँ मुर्गियों की संख्या 100 के पार पहुँच गई थी। अचानक उन्हें एक बूढ़ा इंस्पेक्टर अपनी तरफ आता दिखा। दुआ सलाम हुई। इंस्पेक्टर ने पूछा तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो? वर्मा जी ने कहा साफ की हुई धुली हुई चने की दाल और किशमिश, कभी कभी काजू के टुकड़े भी डाल देते हैं। इंस्पेक्टर बोला क्या बोला, चने की दाल और काजू किशमिश, ये तो इंसानों को भी नहीं मिलते और तुम मुर्गियों को खिला रहे हो, तुम्हारा तो चलान बनाना पड़ेगा, 500 रुपये निकालो वरना। वर्मा जी ने चुपचाप 500 का नोट इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया, इंस्पेक्टर चला गया। लेकिन अगले हफ्ते इंस्पेक्टर फिर आया, पूछा अच्छा ये बताओ तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो? वर्मा जी बोले हमने तो अपने सारे पड़ोसियों से कह रखा है कि वह अपने घर का कूड़ा, करकट और झूठन हमारे मुर्गी बाड़े में डाल जाया करें, बस उसी को ये मुर्गियाँ छाँट छाँट कर खा जाती हैं। हाय हाय तुम ऐसा करते हो और फिर इनके अंडे बेच देते हो, तुम्हारा तो चालान काटना पड़ेगा, तुम तो पब्लिक को बीमार करोगे, निकालो 500 रुपये वरना, इंस्पेक्टर बोला। वर्मा जी ने 500 रुपये दिए जिन्हें लेकर इंस्पेक्टर चला गया। अगले हफ्ते इंस्पेक्टर फिर आया और बोला एक बात बताओ तुम अपनी मुर्गियों को खिलाते क्या हो? वर्मा जी बोले आप मेरी मुर्गियों को जानते नहीं, एक नंबर की हलकट और बेईमान है, तो हम इनको हर हफ्ते 500 का नोट पकड़ा देते हैं, इन्हें जो अच्छा लगता है खाकर आ जाती हैं। थी ना मज़ेदार बात, जब पहले उसने कहा कि किशमिश काजू खिलाता हूँ तब उसका चालान हुआ, फिर उसने कहा कि कूड़ा करकट खिलाता हूँ तब भी उसका चालान हुआ, और जब उसने ये देखा कि मैं तो किसी भी हाल में इंस्पेक्टर से बच नहीं पा रहा हूँ तो उसने कहा हम तो हर हफ्ते 500 का नोट पकड़ा देते हैं, खुद ही जो खाना होता है खाकर आ जाती हैं। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। आभार, चलते हैं नए पाठ की ओर।